Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Dear students of class tenth, I am your teacher, Mamuna. I hope you all are well and safe with your family at home. Student, take out your Islamic book and open page number fifty-three. Hadith number twelve. Bismillahir <laughs> Rahmanir Rahim. Lisa Hibika habika yomel Jum'ati ansid. इमाम जब तुमने जुमा के दिन अपने साथी से ये कहा खामोश हो जाओ जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो तो तुमने फजूल बात की इल्म का पहला अदब यह है कि इल्म की बात को खामोशी और तवज्जो से सुना जाए वाज़ और नसीहत से फायदा उठाने के लिए भी जरूरी है कि सबसे पहले उसे तवज्जो से सुना जाए अगर हम बात तवज्जो और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उसने समझना भी नामुमकिन होगा और फिर हमारे लिए अमल करना कैसे मुमकिन हो सकेगा चुनाच ताकीद फरमाई गई है कि जुमे का खुतबा जो कि इस्लामी तालीमत के बारे में रहनुमाई का जरिया है उसे खामोशी और तवज्जो से सुना जाए इस हदीस में एक और इशारा यह है जुमे खुतबा के दौरान ये भी रवा नहीं कि इस दौरान अगर कोई शख्स बोल रहा हो तो उसे मना किया जाए क्योंकि इससे भी लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ मुंतकिल हो सकती है और उनके सुनने का अमल भी मुतासर हो सकता है खुतब जुमा दो रकात नमाज के बराबर है जुमे का ख़ुबा इस्लामी तालीमत के बारे में मुसलमानों की रहनुमाई का जरिया है अगर जुमे के दिन हम अपने उल्मा का खुतबा गौर से नहीं सुनेंगे या देर से मस्जिद में आएंगे और आकर दुनियावी बातों में वक्त ज़्यादा करेंगे तो हमारे कामों में बेबरकती पैदा होगी अल्लाह तला ने सूर जुमा के आखिरी रुकूम में खुतब जुम्मे के आदाब को छू अर्शाद फरमाए हैं तर्जुमा मोमिनों जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ते हुए आओ और खरीदो फरोख्त कर दो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इस बात को जानते हो रसूल वाली का फरमान है जुमे की रात सफेद रात है और जुमे का दिन रोशन दिन जो चीजें नमाज में हराम है मसलन खाना पीना सलाम कहना सलाम का जवाब देना वगैरह ये सब खुतबे की हालत में भी हराम है अमर बिल मारूफ यानी नेकी की तलकीन करने की भी इजाज़त नहीं जब खुदबा पढ़ा जा रहा हो तमाम हाजरीन पर सुनना और चुप रहना फर्ज है जो लोग इमाम से दूर हों के खुदबे की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही तो उन्हें भी चुप रहना चाहिए अगर किसी को कोई बुरी बात करते देखे तो हाथ या सर के इशारे ऐसी मना कर सकते है जबान से नहीं खुतबा नहायत खामोशी यकसुई तवज्जो, आमादगी और जज्बा कबूलियत के साथ सुनिए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि के जो सलोकाम मालूम हो उन पर सच्चे दिल से अमल करने का इरादा करना चाहिए उम्मीद है कि इस हदीस के जरिए आपको खुतब जुमा की अहमियत और अफादियत के बारे में मालूम हो गया होगा थैंक यू स्टूडेंट्स यू शुड प्रे फ्राम सेफ फ्राम कोविड नाइनटीन स्टे होम स्टेफ अल्लाह